हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स ऑफ थिंकिंग फाइन एट योर एंड। सो दिस इज़ अनदर वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू शो यू पांच रिफ्यूजल्स के बाद शी फाइनली गॉट द वीज़ा। हम हमेशा कहते हैं रिफ्यूज़ल से मत घबराएं। रिफ्यूज़ल इज़ नॉट कि आप बैन हो गए। रिफ्यूज़ल आता है आपके करंट सिनेरियो पे कि एट प्रेजेंट आपके पास ये कमी है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप वो सुधार लेते हैं और जो पॉइंट आउट किया हुआ है उसको दिखाते हैं कि यस दिस वाज द प्रॉब्लम एंड वी हैव सॉल्व्ड इट, सो यू कैन गेट द वीज़ा। अब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आपका प्रॉब्लम जो उन्होंने हाईलाइट किया वो आपने सॉल्व ही नहीं किया। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो दोबारा से रिफ्यूज़ल आएगी। दूसरा सिनेरियो ऐसा होता है कई बार बाय लक आपके पास ऐसा ऑफिसर बार बार मिलता है आपको कि जो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, आपकी इंटेंशन को इग्नोर कर रहा है। उसमें सोल्यूशन क्या है? उसमें आप कहते हो मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया है जेन्युइन, वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं है। वो सिंपली लिखते हैं कि हमें आप पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो उस केस में आपको ट्राई करना पड़ेगा बार बार। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। जब आप री अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप पिछले ऑफिसर ने जो इग्नोर किया है उसको हाईलाइट किया जाए कि आपने पिछले रिफ्यूज़ल्स में जो प्रॉब्लम हमें बताई थी वो हमने सॉल्व करी है, बट जो रीसेंट रिफ्यूज़ल आया उसमें उन्होंने वो हाईलाइट नहीं की, उन्होंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया फ्लो में, जस्ट पिछले रिफ्यूज़ल देख के उसको कंसिडर नहीं किया और एज इट इज़ सेम रिफ्यूज़ल उन्होंने हमें फिर से दे दिया, राइट? सो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो कभी भी हम बोलते हैं रिफ्यूज़ल से घबराए नहीं। अब ये पांच रिफ्यूज़ल्स के बाद भी इनका आया, रीज़न बीइंग हमने इनमें जो पिछले रिफ्यूज़ल्स को कंसिडर किया, कुछ जगह पर पहले गलती भी थी, उसके बाद दोबारा करके फिर से ऑफिसर कई होते हैं कि जो पिछला देख के ज़्यादा नहीं करते फोकस उस पर कि अब करंट में बंदे ने इम्प्रूव किया भी है या नहीं, सो दे गिव रिफ्यूज़ल अगेन। तो मल्टीपल टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 times आप सुनेंगे उनसे। तो फिर हमने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन उसमें लिखा और बाय, और ये सिर्फ हमारा ही रोल नहीं है कि उसमें ऑफिसर भी एक समझने वाला चाहिए। हमने तो अपनी बात रखी लेकिन उसको अगर कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो फिर से रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो पॉइंट आउट हुआ है उसको सॉल्व करो और सॉल्व जो आपने किया है उसको दिखाओ। और उसके बाद जो रहता है कि वो उस तरफ का है कि ऑफिसर वो चीज़ आपकी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसको कंसिडर करता है कि नहीं। सो शी गॉट द वीज़ा, ओवर टू मिसेस गीता, ये उनके वर्ड्स हैं। मैं जलंधर शहर से रहने वाली हूँ। मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया वीजा वास्ते 5 बारी फाइल ट्राई की थी, जिस बारी हर बारी मैंने रिफ्यूजल ही मिली। इस बारी मैं अपनी फाइल हरी ओम कंसल्टेंट वालिया को पवाई सी, जिस विच उन्होंने मेरे फाइल का रिजल्ट बहुत वधिया। तुहानू सारयां नू यही राय देवांगी कि तुसी अगर निराश हो तो अपनी फाइल तुसी हरी ओम कंसल्टेंट वालिया को ही दिलवायो। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा और आपको कोई डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द डिस्कशन फर्स्ट, तो जूम मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स आर आल्सो पॉसिबल नाउ। सो यू नंबर आपके सामने हो रहा है, आपने मीटिंग बुक करनी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, जस्ट व्हाट्सएप। कॉलिंग में कई बार फ़ोन नहीं होता है क्योंकि बिजी होते हैं तो नहीं हो पाता। व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जस्ट व्हाट्सएप योर WhatsApp hello, you'll get the detail how to book. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।